कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध शायद महाभारत का सबसे भयंकर युद्ध था। इस युद्ध को देखने के लिए देवता तक उपस्थित हो गए थे। हमने इस वीडियो को अत्यंत विस्तार से बनाया है ताकि अनेक भ्रांतियां मिट सकें। यह वीडियो 3 भागों में पूरी होगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि अगला भाग आप तक पहुंच सके। इस युद्ध की पृष्ठभूमि है कर्ण के पुत्र वृषसेन की अर्जुन से टक्कर। युद्ध में वृषसेन ने नकुल के पुत्र शतानिक को 3 बाण मारकर अत्यंत घायल कर दिया। फिर इस शक्तिशाली रथी योद्धा ने 3 बाण अर्जुन पर, 3 बाण भीमसेन पर, 7 बाण नकुल पर और 12 बाण श्री कृष्ण पर चलाए और उन्हें घायल कर दिया। इस पराक्रम को देख कौरव सेना वृषसेन की जय जयकार करने लगी। पांडव सैनिक समझ गए कि वृषसेन का अंतिम समय आ गया है। उस समय वृषसेन कर्ण के सामने खड़ा था। तब अर्जुन कर्ण दुर्योधन और अश्वत्थामा को एक साथ देख बोल उठा, कर्ण आज युद्ध स्थल में मैं तुम्हारे देखते देखते इस वीर और उग्र पराक्रमी वृषसेन को यमलोक भेज दूंगा। तब अर्जुन ने उन सबको उनके कायरतापूर्ण कृत्य अभिमन्यु की याद दिलाई। क्षण भर में अर्जुन ने अपना गांडी पोंछा और वृषसेन पर हंसते हंसते 10 बाण छोड़ दिए। पल भर में वृषसेन का धनुष, दोनों भुजाएं और मस्तक शरीर से अलग हो गए और वो रथ से नीचे गिर पड़े। अपने पुत्र की इस प्रकार मृत्यु देख महाबली कर्ण को संताप और क्रोध एक साथ आ गया और उसने अर्जुन और श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। कर्ण एक महासागर की तरह गर्जना करते हुए आगे बढ़ा। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, पार्थ, जिसके सारथी शल्य हैं और जिसके रथ में श्वेत घोड़े जुते हैं, वो दुर्योधन का प्रिय कर्ण सीधे इधर ही आ रहा है। उसका ध्वज देखो, जो आकाश में एक रेखा सी खींचता चला आ रहा है। आज तुम्हें संपूर्ण प्रयत्न करके कर्ण का वध करना ही होगा। तुम्हारी सेना में दूसरा कोई योद्धा कर्ण के बाणों को सह नहीं सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसकी क्षमता और बल का आभास कराया और कहा, जिस महादेव को दूसरे मनुष्य देख भी नहीं सकते, तुमने उनकी युद्ध में आराधना की है और वरदान प्राप्त किए हैं। अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, मेरी विजय अवश्य होगी, क्योंकि इस जगत के पूर्ण ज्ञाता आप जो मुझ पर प्रसन्न हैं। अब अर्जुन इस युद्ध समरांगण में कर्ण का वध किए बिना नहीं लौटेगा। हे गोविंद, आज या तो उस कर्ण के टुकड़े टुकड़े होंगे या आप मुझे कर्ण के बाणों से मरा देखिएगा। आज ऐसा युद्ध होगा जिसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। इतना सुनते ही प्रभु श्री कृष्ण के मन द्वारा संचालित उनका रथ पल भर में ही कर्ण के रथ के समक्ष जा खड़ा हुआ। दोनों दिव्य पुरुष, दोनों के पास उत्तम सारथी, दोनों के श्वेत घोड़े, ये दोनों रथ आमने सामने आए तो वहां उपस्थित योद्धाओं को ऐसा लगा मानो दो सूर्य उदित हो गए हैं। कर्ण के रथ पर जो ध्वज था उसमें हाथी की सांकड़ का चिन्ह और अर्जुन के रथ पर महाबली हनुमान रूपी वानर का चिन्ह बना था। कर्ण का हर्ष बढ़ाने के लिए सभी कौरव सैनिक बाजे और शंख बजाने लगे। वहीं पांडव पक्ष के योद्धा भी अर्जुन का हर्ष बढ़ाने के लिए अनेक वाद्यों और शंख की ध्वनि से सब ओर प्रतिध्वनि उत्पन्न करने लगे। दोनों महावीर श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ थे, दोनों के पास विशाल धनुष थे, दोनों अद्भुत बाणों, शक्ति और ध्वज से संपन्न थे, दोनों ही उत्तम तरकश से संपन्न वीर थे, दोनों कमर पर तलवार बांधे थे, दोनों ही युद्ध के लिए मदमस्त हाथी की तरह थे, इनके मुख सूर्य के प्रकाश की तरह कांतिमान थे, दोनों के पास उस काल के सबसे उत्तम सारथी थे, कंधे सिंह के समान, भुजाएं काल के समान, आंखें रक्त की तरह लाल और दोनों ही एक दूसरे का वध कर देना चाहते थे। दोनों इतने आयुधों से संपन्न थे कि वहां उपस्थित प्राणियों को किसी एक की विजय पर संदेह होने लगा था। दोनों ओर की सेनाएं अर्जुन और कर्ण की रक्षा के लिए उन्हें घेरकर आगे बढ़ने लगी। इस प्रकार इस युद्ध की शुरुआत हुई। ऐसा लगा मानो संपूर्ण प्रकृति दो भागों में विभक्त हो अर्जुन और कर्ण में से किसी एक का पक्ष लेने लगी है। महाभारत में उल्लेख है कि उस क्षण इंद्र और सूर्यदेव अपने अपने पुत्रों की विजय के लिए वाद विवाद में उलझ गए थे। तभी श्री कृष्ण और अर्जुन तो दूसरी ओर शल्य और कर्ण ने अपने अपने शंख बजाए। तब अनायास और उत्सुकतावश अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, माधव, अगर आज कर्ण मेरा वध कर दे तो आप क्या करेंगे? श्री कृष्ण ने हंसकर ये बात कही, यदि सूर्य अपने स्थान से गिर जाए, समुद्र सूख जाए और अग्नि सदा के लिए शीतल हो जाए तो भी कर्ण तुम्हें मार नहीं सकता। यदि ऐसा किसी प्रकार संभव भी हुआ तो ये संसार उलट जाएगा,
मैं अपनी दोनों भुजाओं से ही इस युद्ध भूमि में कर्ण और शल्य को मसल डालूंगा। ये सुन अर्जुन मन ही मन मुस्कुरा उठा। तभी दुर्योधन, कृतवर्मा, शकुनी, कृपाचार्य और कर्ण एक साथ ही कृष्ण और अर्जुन पर प्रहार करने लगे। अर्जुन ने उन सब योद्धाओं के धनुष, ध्वज, घोड़े और सारथियों पर एक साथ प्रहार किया और कर्ण पर एक साथ 12 बाण छोड़े। ये देख शक, तुषार और यवन देश के योद्धा अर्जुन को मारने के लिए एक साथ दौड़े। अर्जुन ने अनेकों अनेक बाण एक साथ छोड़े और उनके सर कट कट कर युद्ध भूमि में गिरने लगे। मौत का ऐसा तांडव देख दौड़ लगाते योद्धा सन्न खड़े रह गए। यहां अंतिम बार दुर्योधन को अश्वत्थामा ने समझाना चाहा। ऐसी मौत देख अश्वत्थामा ने दुर्योधन का हाथ पकड़ा और बोला, दुर्योधन अभी भी समय है, पांडवों से संधि कर लो, आपस के इस झगड़े को त्याग दो। मेरे पिता और तुम्हारे गुरु तो साक्षात ब्रह्मा जी की तरह अस्त्र विद्या के श्रेष्ठतम पंडित थे, इस युद्ध में वे भी मारे गए। यही दशा तुम्हारे पिता में भीष्म की भी हुई। मेरे मामा कृपाचार्य तो अवध हैं, इसलिए अब तक बचे हैं। तुम पांडवों के साथ मिलकर चिरकाल तक राज्य शासन करोगे। श्री कृष्ण भी तुम दोनों में विरोध नहीं चाहते, वे अब भी शांति के पक्षधर हैं। बस तुम्हारी इच्छा से शेष बचे सगे संबंधी अपने अपने नगर लौट जाएंगे। हे नरेश्वर, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो निश्चित ही तुम्हें भी वीर गति प्राप्त होगी। हे कुरुनंदन, जीवित रहने वाला ही कल्याण और सुख के दर्शन कर सकता है। तुम पांडवों से संधि कर लो और कौरव कुल को शेष रहने दो। मैं कभी तुम्हारे अहित की बात नहीं करता। मेरी यह निश्चित धारणा है कि कर्ण अर्जुन को कदापि जीत न सकेगा, जिसके सारथी श्री कृष्ण है। तुमने अभी अभी अर्जुन का पराक्रम देखा है, ऐसा पराक्रम तो स्वयं इंद्र, यमराज और यक्षराज कुबेर भी नहीं कर सकते। यहां दुर्योधन ने लंबी सांस खींची और बोला, इस दुर्बुद्धि भीम ने जिस प्रकार मेरे प्रिय दुशासन की हत्या कर जो बात कही थी वो अभी भी मेरे हृदय को पीड़ा दे रही है। हमने बारंबार जो इन पांडवों से वैर रखा है उसे सोचकर वे कभी मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। तुम मेरे मित्र कर्ण को नहीं जानते, अर्जुन इतने प्रहार एक साथ करके थक गया है, अब बस कुछ ही क्षणों में कर्ण उसका वध कर देगा, फिर किसी से संधि की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी। उधर कर्ण और अर्जुन एक दूसरे की ओर बढ़ते जा रहे थे। विशाल पर्वतों के समान वे एक दूसरे पर अपने महान अस्त्रों से प्रहार करने लगे। बाणों के प्रहार से उन दोनों के शरीर, सारथी और अश्व शत विक्षत हुए जा रहे थे। उनके भयंकर अस्त्रों से आकाश बार बार गर्जना करने लगता था। आकाश में उड़ने वाले प्राणियों ने भी आकाश छोड़ कहीं दूर डेरा जमा लिया था। एक तरफ कौरव सेना और दूसरी तरफ मौसक सैनिक जो पांडवों के पक्ष में युद्ध कर रहे थे। उस दिन अर्जुन की सुरक्षा का दायित्व उनका था, घोर कोलाहल उत्पन्न कर रहे थे। युद्ध में रक्त और मांस की कीच जम गई थी। सोमक सैनिक बार बार चिल्ला रहे थे, हे कुंती कुमार, कर्ण का शीघ्र वध कर डालो। कर्ण का मस्तक और दुर्योधन की राज्य के प्रति अभिलाषा दोनों को एक साथ काट डालो। वहीं दूसरी ओर कौरव योद्धा चिल्ला रहे थे, कर्ण आगे बढ़ो, अपने पैने बाणों से अर्जुन को मार डालो, जिससे शेष बचे कुंती पुत्र स्वतः दीर्घ काल के लिए वन में चले जाए। कर्ण ने एक साथ अनेकों बाणों से अर्जुन को बींद डाला। तब अर्जुन ने हंसकर तीखी धार वाले 10 बाणों से कर्ण के हाथों और काख पर प्रहार किया। दोनों अपने सर्वोत्तम बाणों का प्रयोग कर रहे थे, मानो आज के बाद वे कोई युद्ध ही नहीं करेंगे। अर्जुन ने अपनी दोनों भुजाओं और गांडीव को पहुंचकर नाराज एक प्रकार का छोटा बाण, नालिक अत्यंत पतला बाण, वराहकर्ण चौड़ी नोक वाला बाण, शूर धारदार छुरे की तरह बाण, अंजलिक अर्धचंद्र नोक वाला बाण आदि बाणों का प्रयोग प्रारंभ किया। वे सब बाण कर्ण के रथ में घुसकर सब ओर बिखर जाते थे। अर्जुन भौहें तिरछी करके कटाक्ष पूर्वक कर्ण को देखते देखते जिन जिन बाण समूहों से कर्ण पर प्रहार करता था, कर्ण उन सबको शीघ्रता से नष्ट कर देते थे। साधारण किंतु अलग अलग प्रकार के बाणों वाला ऐसा युद्ध काफी समय तक चलता रहा। जब ऐसे बाणों का कोई अर्थ नहीं रह गया तब अर्जुन ने अग्नि अस्त्र का भयंकर रूप में प्रयोग किया। उस अग्नि अस्त्र का प्रकोप बहुत अधिक था, जो आकाश तक पहुंचता सा प्रतीत होता था। वहां उपस्थित योद्धाओं के वस्त्र जलने लगे और झुलसे हुए सैनिकों के चिल्लाने की आवाज बढ़ती चली गई। फिर प्रतापी सूर्यपुत्र ने
आग्नेयास्त्र को शांत करने के लिए वरुणास्त्र का विराट रूप में प्रयोग किया। अचानक ही बड़े बड़े मेघ आकाश में उत्पन्न हुए और वहां का सारा प्रदेश जलमग्न सा हो गया। वरुणास्त्र का रूप इतना विशाल था कि मानो वहां रात्रि हो गई हो। तभी अर्जुन ने एक और दिव्यास्त्र का संचालन किया। वायव्यास्त्र से सभी मेघ समूह तुरंत वहां से छिन्न भिन्न हो गए और सूर्यदेव फिर से दिखने लगे। तभी अर्जुन ने गांडीव और उसकी प्रत्यंचा को फिर से अभिमंत्रित किया और एक शक्तिशाली अस्त्र वज्रास्त्र को प्रकट किया। यह एक विचित्र वज्र अस्त्र था जिसके प्रभाव से अनेकों शूर, अंजलिक, नालिक, वराहकर्ण जैसे बाण हजारों की संख्या में चलने लगे। वे सभी वज्र जैसी शक्ति से अत्यंत वेग से प्रहार करने लगे। वे सब कर्ण के अंगों, घोड़े, धनुष, रथ के पहियों और ध्वजों में जा लगे। कर्ण का संपूर्ण शरीर रक्त से नहा गया। तब कर्ण ने अपने धनुष को झुकाकर एक महान अस्त्र को प्रकट किया। मंत्र उच्चारण करने की वहां गंभीर गर्जना होने लगी और भार्गवास्त्र प्रकट हुआ। जैसे ही कर्ण ने उसे छोड़ा, उसमें से अनेकों अनेक बाण निकलने लगे। वे सब सूक्ष्म किंतु संख्या में बहुत ज्यादा थे। ऐसा लगा मानो बाणों का सैलाब सा आ खड़ा हुआ हो। अर्जुन की ओर से आ रहे बाणों को पल भर में टुकड़े टुकड़े करते हुए इन बाणों ने पांडव पक्ष के अनेकों अनेक रथों, हाथियों, अश्वों और पैदल सैनिकों का संहार कर डाला। वीडियो का पहला भाग यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद है अगला भाग देखने के लिए आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी दबा दिया होगा। आपको अर्जुन और कर्ण में से किसके अस्त्र अधिक शक्तिशाली लगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।